स्टोरी टेलिंग टाइप होगा, तो मैं एज अ स्टोरी टेलर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुदरिस नहीं हूँ। तो आपने इस सेशन को एंजॉय करना है क्योंकि इतने ज़्यादा सेशंस हो चुके हैं, मैं 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे? हाँ जी तकरीबन। नहीं यार 20 मिनट रह गए हैं, 2 घंटे होने तो 5 मिनट है। तो बस मैं जो आपको एंटरटेन करने आया हूँ यहाँ पे, स्टोरी सुनाऊंगा, असल बनना है ठीक। नहीं करनी है, टाइम नहीं है। चले अच्छा, उनके जो जिंदगी के ऐसे सबक आमोज वाकयात हैं जिनसे हम सबक ले सकते हैं, उनके ऐसे पहलू हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि दीन में तदीद की जरूरत तब पड़ती है जब जहालत या गलत नज़रियात जो है दीन को मुसख़र करते हैं और उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं जी। तो दीन एक मिक्सचर बन जाता है, तो उस मिक्सचर में से दीन को प्योर करने के लिए मुजद्दद की ज़रूरत पड़ती है जो सामने आता है, और वो जो है उस दीन में से मिक्सचर में से दीन को सेपरेट करता है और लोगों को प्रेजेंट करता है। तो हसनुल बन्ना भी एक मुजद्दद थे, तो वो जो है मिस्र में पैदा हुए, मिस्र के शहर महमूदिया में 1906 में। उनके वालिद साहब का नाम अहमदुल बन्ना था, प्राइमरी तालीम उन्होंने महमूदिया से की। और इस स्टोरी का आगाज़ हम इस तरह करते हैं कि एक बच्चा है नील के साहिल पे, वो टहल रहा है और वो देखता है कि कश्ती में एक बरहना मूर्ति बैठी हुई है। तो वो उसकी इतनी मतलब तैश में आता है कि वो जाता है थाने, वहाँ पे कंप्लेन करता है कि जी ये देखें मूर्ति पड़ी हुई है और आप इसको रिमूव नहीं कर रहे, इसके लिए कुछ इंतजाम करें। थानेदार इनसे बड़ा इंस्पायर होता है कि कम से कम बच्चा मेरे पास आया और इतना नॉलेज वो रखता है, वो इनसे डिटेल्स लेता है और इनके स्कूल पहुँच जाता है। वहाँ पे जाके प्रिंसिपल से बात करता है और सारा वाकया बयान करता है। प्रिंसिपल भी बड़ा इंस्पायर होता है, वो इनके एजाज में अगले दिन असम्बली में तकरीर रखता है और इन्हें खराज तहसीन पेश करता है। और इनके जो टीचर्स हैं वो बड़ा इंस्पायर होते हैं, वो एक तंजीम बना लेते हैं, तंजीम बराए इस्लाह। वो चाहते हैं कि हर बच्चा हसनुल बन्ना बने। वो ये करते हैं कि जो भी बच्चा कोई गलत हरकत करता है, सज़ा के तौर पर उसे कहते हैं कि जुर्माना पे करो, और वो जुर्माना बैतुल माल में जाता है, उससे किसी की मदद होती है। तो बच्चे जो है इन मुहरकात से बच जाते हैं। इसी तरह इसके बाद जो है वो चूँकि उस तंजीम का नाजिम जो है वो शेख हसनुल बन्ना को बनाया जाता है, तो बच्चे जो है उनके पास कंप्लेन लेके जाते हैं कि जी हमारे नमाज का भी बंदोबस्त करें, ज़ोर की नमाज का। स्कूल के पास एक छोटी सी मस्जिद होती है, वहाँ पे नमाज का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन जब वजू करते हैं तो टैंकी में पानी ख़त्म हो जाता है, तो बाद में आने वाले नमाजियों के लिए मुश्किल पेश आती है। तो हसनुल बन्ना साहब जो हैं उनको काफ़ी डांटा जाता है मौलवी साहब के थ्रू कि आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर मस्जिद में पानी तो कम अज़ कम भरें। तो उन्हें ये हरकत अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं मैं बदला लूँगा मौलवी साहब से। वो बेरंग खत लिख लेते हैं मौलवी साहब को, और उसमें कुरानी आयत होती है जिसमें ये एक्सप्लेन होता है कि आपने ये गलत हरकत की है, अपना नाम नहीं लिखते। मौलवी साहब बड़े गुस्से में आते हैं क्योंकि बेरंग खत जो होता है आपको पता है उसकी डबल कीमत अदा करनी पड़ती है। तो वो जो है मौलवी साहब इनकी कंप्लेन करते हैं और हसनुल बन्ना उनसे मतलब माजरत कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो बेरंग खत का सिलसिला ऐसे शुरू होता है, तो वो कहते हैं क्यों ना यार हमने स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी भी इसलाह करने के लिए बेरंग खत लिखें अपने टीचर्स के, अपने जो बाकी मेंबर्स हैं स्कूल में, जो भी कोई गलत हरकत करेगा उसके लिए बेरंग खत लिख दिया जाए सजा के तौर पर। तो ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है और तहरीक का आगाज़ भी मैं समझता हूँ यहीं से होता है। तो आपने इसलिए जो है ना यहाँ से बेदार हो जाना। बेरंग खत का सिलसिला जब शुरू होता है तो वो अपने स्कूल में बच्चों को खतूत लिखते हैं, अपने टीचर्स को लिखते हैं, और इस तरह जो है मुहरकात से बचा जाता है। और वो ये सोचते हैं उनकी शूरा मतलब उन्होंने पूरी टीम बनाई होती है अपने दोस्तों की बच्चों की, तो वो सोचते हैं कि यार यही बच्चे जब स्कूल से निकल के मुआशरे में जाते हैं, वहाँ पे आवारा लड़कों के साथ दोबारा मिलते हैं, तो यही मुहरकात दोबारा करते हैं। तो हमें स्कूल से निकल के मुआशरे की इसलाह करनी हो, स्कूल से निकल के मुआशरे को मुसफ़र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं यार ये बेरंग खत वाली चीज़ जो है ये ठीक नहीं, मुनासिब नहीं है कि बंदे का वो पे करते हैं, जुर्माना पे करते हैं। तो हमें इसलाह करनी है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। वो क्या करते हैं बच्चों को अपनी टीम में हायर करते हैं। बच्चे जो होते हैं आपको पता है हर जगह रसाई हासिल कर लेते हैं, किसी को शक भी नहीं होता। और ये जो है मतलब गुमनाम रह के तहरीक चलाना चाहते हैं, सामने भी नहीं आना चाहते। तो बच्चे जो हैं हर घर में जाते हैं, जो जो कोई गलत अमल करता है उस पर बेरंग खत भेजते हैं। तो इस तरह से जो है माशरे में एक इनका नाम बन जाता है, लेकिन गुमनाम फिर भी होते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा होता है अहमद मतलब महमूदिया में। तो इसके बरक्स हम काहिरा में देखें तो फहाशी और जो फिरौनियत है, जहालत है, वो अपने पंजे गाड़ना शुरू कर देती है। वहाँ पे कोई तहरीक नहीं चल रही होती। तो वो ये होता है कि हसनुल बन्ना पे एक बार नागवार गुजरती है
वहाँ जाते हैं और वहाँ पे उलमा से वो जो है मुज़ाकरात करते हैं कि क्या चल रहा है, आप इसके काउंटर स्ट्रेटजी क्यों नहीं बना रहे अभी तक, जहालत इतनी पेनिट्रेट कर चुकी हुई है लोगों में, ज़हनियतों में, तो हमें इसके खिलाफ ही काउंटर स्ट्रेटजी बनानी होगी। और साले जो नशरियात होते हैं उनमें सब कुछ आ रही होती है जहालत की उलूम, तो हमें भी कुछ ऐसा रिसाला बनाना होगा। तो मिलजुल के सबके साथ मुशावरत करने के बाद जो है वो एक अलफता नाम का मैगजीन जो है वो इजरा करते हैं अपने माशरे में, उससे जो है काफ़ी इम्पेक्ट क्रिएट होता है। अच्छा, इन्होंने जब तमील कहरा यूनिवर्सिटी में मुकम्मल कर ली तालीम, सॉरी, तो इसके बाद इनकी तैनाती होगी बतौर टीचर इस्माइलिया में। इस्माइलिया नहायत खूबसूरत खिता था और उसका मतलब वो भी मिसर में ही आता था, लेकिन ऐसा लगता था कि एक लहर है, क्योंकि नहर स्वीज में जो है यूरोपीय आमदोरफ्त की वजह से लगता था ये कोई और खिता है। तो वहाँ पर यूरोपियन जो थे वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर गए थे और अवाम जो थी वो महकूम थी और यूरोपियन जो थे, सॉरी, अवाम जो थी महकूम और ग़ुलाम थी और यूरोपियन उन पर हुकूमत करते थे और काफ़ी तजलील भी करते थे अवाम की। तो वहाँ पर इन्होंने अपना मरकज तामीर करने का सोचा। तो पहला मरकज़ इस्माइलिया में तामीर किया अख़वानुल मुस्लिमून के नाम से, और इसका मतलब है मतलब मुस्लिम बरादरान, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने दीन की दावत का काम शुरू किया और इस अख़वान में एक प्रॉपर तरबियत का निज़ाम था और जो जो अख़वान इसमें आते थे वो उस तरबियत से गुजर के बाहर जाते थे, मिसालें कायम करते थे। तो ऐसे ही कुछ अख़वान के किस्से भी हैं यहाँ पे, तो वक्त की किल्लत की वजह से वो नहीं बयान कर सकता। तो हुकूमती चूँकि अख़वान के मराकज बढ़ते गए, अख़वान बढ़ते गए, पूरे मिस्र में छा गए, इस तरह जो इनके मुखालिफ थे वो भी बढ़ते गए, वो चाह रहे थे कि इनकी तादाद क्यों बढ़ रही, स्पेशली हुकूमत इनके खिलाफ हो, कह रही है यार ये तो मजहबी इस्लामी नजरियाती तालीमी माशी माशरती इनकलाब का लोहा मनवा चुके हैं, ये ना हो ये सियासी इनकलाब भी दें तो हमारे लिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, हमारी जगह रह जाएंगे। तो वो कहते हैं यार इनको किसी तरह यहाँ से हटाओ, इनके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, जो हसनुल बन्ना है उनको पेशकश की जाती है ओहदों की, पैसों की, जेवरात की, कि आप किसी तरह ना पीछे हो जाए, तहरीक छोड़ दें। वो पीछे नहीं हटते, साबित कदम रहते। इसके बाद वो कहते हैं अच्छा ये तो हमारी बात मानने से कोई और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाओ। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, बैठती है शूरा उनकी हुकूमत की, जो मतलब हुकूमत ऐसी होती है मिस्र की कि वो किसी के जैसे कंट्रोल में होती है, बैरून मुल्क की कंट्रोल में होती है, आका के कंट्रोल में होती है, अपने उनकी कोई राय नहीं होती, महकूम होती है ना, गुलाम हुकूमत होती है। तो वो जो ऑर्डर पीछे से मिलते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, पीछे से ऑर्डर मिलते हैं हसनुल बन्ना को ख़त्म कर दो। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर हमने ऐसा फैसला लिया तो अवाम मुंतशिर हो जाएगी, मुजाहरे करेगी, तो बेहतर ये है कि पहले सोच को मारा जाए फिर इंसान को मारा जाए, एक बड़ी प्रॉपर इनकी स्ट्रेटजी होती है। वो क्या करते हैं जी हसनुल बन्ना के खिलाफ जो है वो साजिशें शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये अवाम को मुंतशिर कर रहा है, मुजाहरे करता है, इसके सासे कहाँ से आते हैं, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से हैं, फंडिंग कहाँ से हो रही है, गैर मुल्की एजेंट है। इस तरह अवाम में जो है ना काफ़ी ये चीज़ छा जाती है, वो कहते हैं यार ये इसका जवाब भी नहीं दे रहा। और दूसरी बात यह है हुकूमत उनके नशरियात को भी बैन कर देती है, जितनी भी नशरियात होती हैं उन लाजवाब हो जाते हैं, वो जबान नहीं रहती, एक एक बंदे के पास जाके तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अवाम के हुकूमत के हथकंडे में अवाम आना शुरू हो जाती है और इनके खिलाफ बगावत कर देती है। इसके बाद जो है जी नजाशी पाशा जो थे वज़ीर आज़म वो इनको गिरफ्तार कर देती है, लेकिन जो इनके हामी होते हैं वो मुजाहरे करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर इन्हें बरी कर देती है। बैरून मुल्क साजिशों को ये बात गवारा नहीं होती, वो कहते हैं कि जी ये नजाशी पाशा को जो है इसको अहदे से हटा दो, और अहमद पाशा उनकी जगह पे आते हैं जो कि इटली और जर्मनी के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। अख़वान इनकी काफ़ी मजम्मत करते हैं और वो कहते हैं कि ये जंग जो है नहीं होनी चाहिए थी, और इस तरह अख़वान जो है वो इनके खिलाफ एहतजाज कर देते हैं, वो सबको अफवान के मेन बंदों को गिरफ्तार कर देते हैं। इसके बाद होता है ये अहमद पाशा का कत्ल हो जाता है, सारा इल्ज़ाम अफवान पे आता है और वो फिर मतलब जो हालात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह एंड भी ये होता है कि हसनुल बन्ना साहब को उनका एक रफीक जो है वो एक जगह पे बुलाते हैं और पूरी साजिश के तहत हुकूमत जो है वहाँ पर एक बख्तर बंद गाड़ी बेचती है, और गाड़ी का रंग चूँकि स्याह होता है इसलिए आवाम को पता चल जाता है कि ये हुकूमती शोभा फौजदारी की गाड़ी है। वो आती है वहाँ पे, दो अफराद निकलते हैं और फायरिंग से उन्हें शहीद कर देते हैं, दो अफराद मतलब हसनुल बन्ना और उनके साथी, और हस्पताल में भी उनका इतना गलबा होता है कि वो कहते हैं इनका खून बहने दिया जाए ताकि मौत जो है वाकई हो जाए, वरना अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मौके पर हो जाती तो हो सकता है वो बच जाए। इस तरह ये जो है
इस मर्द मुजाहिद की शहादत हो जाती है, हमें शादी नोश कर लेते हैं। कितने साल हो गया? मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, आई थिंक 32 एक कम सी उम्र है, छोटी सी उम्र है, 42 इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। उसमें एक नज़रिए को जो है मात दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ इससे जो हमने सबक लिया कि अजीम लीडर जो होता है वो मरता नहीं है, वो हमेशा अपने नज़रिए को लोग उसके फॉलो करते हैं नज़रिए को, और फिर वो आगे आते हैं, एक तहरीक बरपा होती है। 2010 में आपने देख लिया होगा अखवान मुस्लिमों को, और इसी तरह मैं समझता हूँ कि इनकी जो पूरी लाइफ मैंने एक्सप्लेन की है उससे मैंने सीखा है इनकी डेडिकेशन, इनकी प्लानिंग, टीम वर्क, किस तरह से टीम बिल्ड की, उनका इत्मीनान जीत लिया, और इनकी स्ट्रेटजी पूरा बनाना, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे किसी भी तरीके से, जितने भी दुनियावी असबाब हैं, दुनियावी लालचे हैं, उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, अपनी सिम का तयन किया हुआ था उसी में लगे हुए थे। दूसरी बात ये है कि तहरीक को जो यही कुलूब होना चाहिए, जो यही जुयूब नहीं होना चाहिए, ये भी इन्होंने वाजिया किया अपने लाइफ से कि आप पहले दिलों को मुसखर कर लें, पैसा खुद आ जाएगा। पैसा कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, इंसानों को कमाना मुश्किल है, उनके दिल जीतना मुश्किल है, उनके ज़हनी फिक्र जीतना मुश्किल है, पहले ये कर लें, लोग आपके साथ माली तआवुन भी करना शुरू कर देंगे। इसी तरह ये है कि हमारे जो मुआशरे हैं, बल्कि इनकी लाइफ से साबित होता है, इन्होंने इनफरादी तौर पे तरबियत नहीं की, इन्होंने अपनी निगाह जो है शाहीन की रखी और दुनिया को इतना से देखा, इन्होंने पूरी दुनिया को मुसफ़िर कर दिया, इज्तमाही लेवल पे इन्होंने ज़हनी तरबियत की, लोगों के दिल जीते, और जो है मुआशरे की तरबियत और ज़हनी तरबियत के लिए इन्होंने काविशें की, और ख़ुद पर मतलब इन्होंने पाबंदियाँ आई की, पहले अपनी इसलाह की, खुद को सादिक़ और अमीन साबित किया, दोहा मनवाया, उसके बाद लोगों को कहा कि यार इस रस्ते पर चलो। तो इंसान जब खुद पर पाबंदी लगाता है ना तभी वो आज़ाद होता है, ये मेरा मानना है। और इसके बाद मेरा एक छोटा सा वो है, कोटेशन है कि इफ़ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग और अ सोसाइटी, यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो ये मेरी तकरीर थी, जैसी कहानी थी।